हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल पत्राम बीकानेर। या तो आज हम जाएंगे अजमेर के किशनगढ़ के डंपी यार्ड में, और हमें घुमाने के लिए जाए हमारे बड़े भाई दीपक, तो जो यहीं से हैं। तो आज हम थोड़ा सा ऑफिस का काम भी करेंगे और साथ में थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, किशनगढ़ से बाहर निकल चुके हैं और डंपिंग यार्ड की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमें दिखने को मिल गया है कि ये पुराना सा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ हमें ज़्यादा कुछ झेलना पड़ेगा। लगता है कपड़े भी गंदे होंगे हमारे, या नहीं होंगे? तो स्लो करते करते हमारे भाई साहब बाइक को चला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं बाइक कम ही चलाता हूँ, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं हम। ज़्यादा लापरवाही भी ज़्यादा कुछ काम की नहीं होती, आराम से चलना सही रहता है। अब देखो आगे जाने के बाद में क्या रिजल्ट आता है, क्या कुछ लगता है, आगे बताएंगे आपको। अभी हम जा ही रहे हैं डंपिंग यार्ड के चक्कर में। दो चार चीजें हमने तो यह आया कि किधर है, आ गया इधर इधर घूम घूम के हम तो पागल हो गए, किधर है पता ही नहीं चल रहा हमें तो। ये यहाँ सारा मार्बल ही मार्बल है, पूरा मार्बल लगा है। तो ये है डंपिंग यार्ड की कुछ रुकियां, इधर उधर आसपास दिखने को मिल रही है कि यहाँ से क्या मार्बल निकलता है मेरे को लगता है ना, उससे यहाँ वहां से। हाँ यहाँ देखो ये मार्बल है, यहाँ इसकी कटिंग कटिंग होती है, ये फैक्ट्री बोलते हैं जिसे हमारी भाषा में, इसको फैक्ट्री बोलते हैं। देखो ये इस पत्थर को चीरा फाड़ा जाएगा, अभी शायद हम एंट्री करेंगे यहाँ। ये आगे टूरिस्ट आए हुए हैं हमारी तरह, यहाँ हमने डंपिंग यार्ड का ये एंट्री गेट और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। तो हमारे दीपक भाई साहब चला रहे हो ये एंट्री, आप देख ही सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री करेंगे हम। और ये डंपिंग यार्ड पड़ता है हमारे किशनगढ़ से 3 से 4 किलोमीटर दूर, और यहाँ कश्मीर और शिमला जैसा नज़ारा है। यहाँ बर्फ़ तो नहीं है लेकिन आपसे बर्फ़ से कम भी नहीं लगेगा, बहुत शानदार नज़ारा है इधर। देखो आपको देखने से लग रहा होगा कि कोई अद्भुत जगह है ये। और आप भी कभी आइए घूमने के लिए और भी कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और आगे भी आपको दिखाते हैं डंपिंग यार्ड का नज़ारा। ये भी टूरिस्ट आ रही हैं घूम घूम के अभी, और हमारे आगे भी ये गाड़ी जो जा रही है ये टूरिज्म की है, टूरिस्ट है। और यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी झूले वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ गार्ड भी हैं और पार्किंग भी प्रॉपर तरीके से बताई जा रही है। तो अभी जाएंगे आपको दिखाएंगे ये पार्किंग किस तरह है, डंपिंग यार्ड क्या चीज़ है और सारी चीज़ें दिखें। ये डंपिंग यार्ड का वेलकम वाला है जो इधर सुनकों में, वो ये गार्ड भैया इनसे राम राम की थी हमने, और ये इधर आ गई साइड को ये पार्किंग है पूरी पूरी। यहाँ गाड़ी साइकिल बाइक जो भी है अपनी सेफ रख सकते हो, यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता और ना ही कोई टिकट वगैरह लगती है आपकी। यहाँ दो अंकल मिले हमें, ये अंग्रेज ताऊ मिले हमें, और ये देखो कितना शानदार नज़ारा है। ये कोई ये कश्मीर और शिमला नहीं है, ये अजमेर का किशनगढ़ है। कितना शानदार नज़ारा है, कितना शानदार, वास्तव में देखते ही मज़ा आ गया हमें तो, देखते ही मज़ा आ गया। यहाँ कुछ खाने के लिए भी लगा रखा है, यहाँ को शायद मेरे को लगता है कि पैसे वैसे देने होते होंगे, यहाँ का कोई चार्ज वार्ज लगता है इनका, जैसे मतलब कोई अपना खाने के सामान का लगाता है। तो तो गाइज यहाँ इतनी बर्फ है कि हमारी आंखें भी नहीं खुल रही, तो चश्मा हमारा टूट गया यहाँ गिरते ही बढ़ते ही, तो पता नहीं क्या क्या हो गया हमारे साथ में बढ़ते ही। पहले रात को चार्जर का खो गया, अभी सुबह चश्मा टूट गया। यहाँ इतनी बर्फ है कि हमारी आंखें ही नहीं खुल रही, हे भगवान क्या होगा। हे वो लगता है कि दीपक अपने वहां चलना चाहिए, हाँ उस पेड़ के पास, ज्यादा कुछ है नहीं यार इसमें, वो पत्थर ही पत्थर है सारा, वहां चलते हैं। एक तो वो पेड़ देख लेते हैं, एक वो पेड़ देख लेते हैं। दो तीन पेड़ ही हैं ये यहाँ पेड़ों में लिपा पोती कर रखी है गाइज। सुनो यहाँ वो कौन सा स्नोफॉल के नजारे, तेरी वो क्या चल रहा है उधर,
ए प्रभु जगन्नाथ, हो उधर क्या चल रहा है देखो। अच्छा या वो देखो उधर भी लहंगे वहंगे नीचे पड़े हैं, वो इधर लहंगे उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्रभु जगन्नाथ हो। दीपक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी आंखें नहीं खुल रही। ये रहो, ऐसे लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन यहाँ गार्डन गार्डन नहीं, यहाँ तो वार्डन वार्डन हो गया। ओ भाई गाइज, वो फाइनली हमें हनी सिंह वाला पेड़ मिल गया है। ये रहा वो पेड़ जिसमें वो यूज किया था वीडियो के अंदर। फाइनली ये हनी सिंह वाला और कपिल शर्मा वाला, ये हमें पेड़ मिल गया है, तो आज हम इसके पास आ गए। ये देखो एकदम नजदीक से देखो, ये पानी वो नीला नीला नहीं है, एकदम गंदा पानी है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है, ऐसे फालतू में दिखाया गया है। यहाँ तो आंखें नहीं खुल रही। ये देखो पानी नीला दिखाया गया है, पर ये तो नीला है ही नहीं। यहाँ दिल गार्डन गार्डन नहीं, यहाँ तो वार्डन वार्डन हो गया हमारा तो। लो भाई फाइनली हम कश्मीर घूम के, मतलब डंपिंग यार्ड घूम के निकल चुके हैं बाहर। बहुत अच्छा लगा हमें। बस हमारे पास एक कमी रहेगी, हमारे पास चश्मा नहीं था, तो नहीं तो फिर भी एक भैया को पकड़ के हमने दो चार फोटो क्लिक हमने करवा ही ली थी। बहुत शानदार जगह थी, कोई चार्ज नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा, मजा आ गया घूम के। हाय हाय, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया आज तो सच में।